ये केवल वाणी से नहीं, यहां से होना चाहिए। और जब यह बात तुम्हारे भीतर होगी तो निश्चित है कि प्रभु स्वीकार करेंगे। महाराज जी भी कहते कथा में कि लोग आरती में भी गाते हैं कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ आपका ही है प्रभु, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन उनके पास जाकर के कहो कि सही में कह रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे ही है, तो बोले महाराज ये तो कहने की बातें हैं, ऐसे कैसे सब कुछ उनका ही हो जाएगा। तो महाराज जी कहते कथा में बोले कि वाणी तो कह रही है कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन मन क्या कह रहा? बोले तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। आपका है क्या जो यहां दे जाए आपको हम? तो यह आत्मनिवेदन कैसा हो? बोले जहां पर हमारी कथनी और करनी दोनों एक हो जाए। आप उस आडंबर से बचो, सहजता जीवन में लाओ, सरलता जीवन में लाओ, और आत्मनिवेदन अगर सच्चा होगा तो निश्चित है कि प्रभु की कृपा भी अवश्य होगी। भगवान शंकर बैठे हुए हैं, कुछ चाह ही नहीं है, केवल और केवल भगवान के नाम में डूबे हुए, भगवान के रस में पगे हुए। तो हुआ क्या? बोले भगवान स्वयं आए और आकर के कहा क्या कि यहां पर भगवान शंकर महाराज दुनिया भी नहीं छूटी और राम भी नहीं रूठे। भोले बाबा से आकर के कहा है प्रभु श्री राम ने, बोले महाराज हम आपके पास विनती करने आए हैं। तो विनती क्या है, प्रार्थना क्या है? बोले हम यही कह रहे हैं कि हमारी एक विनती स्वीकार कर लो। और जैसे ही कहा तब तो बोले बाबा, बोले महाराज आप विनती क्यों करें, आप हमारे इष्ट हो, भगवान हो, विनती तो हम करें, प्रार्थना तो हम करें। तो राम जी मन ही मन बोले कि चलो कोई बात नहीं, हम ही इष्ट बने रहें, हम ही स्वामी बने रहें, पर बाबा करना वही पड़ेगा जो मैं चाह रहा हूं। तो पहले तो विनती की है आधे दोहे में राम जी ने, और फिर आज्ञा भी दी है। कहा क्या? अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने, अगर मेरे ऊपर स्नेह रखते हो तो मेरी विनती है। शिव जी बोले नहीं नहीं आप हमारे स्वामी हो। तो बोले फिर अब विनती नहीं कर रहे, अब आज्ञा दे रहे हैं। और आज्ञा क्या दी? जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। यही चाह रहा हूं, मेरी आज्ञा है कि पार्वती जी को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। और जैसे ही कहा तो हमारे भोले बाबा बोले प्रभु हमको उचित नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, अब आपकी आज्ञा हो गई है तो इसको सिरोधारी कर रहा हूं। राम जी बोले नहीं नहीं बाबा आज्ञा सिर पर मत रखना। क्यों? बोले आपके सिर पर केवल आज्ञा थोड़ी रहेगी, गंगा जी भी रहती, और कहीं गंगा जी के साथ साथ आज्ञा भी बह गई, किस मस्ती में आप डूब गए, तो आपको तो पता ही नहीं रहेगा हमने कौन सी आज्ञा दी। तो क्या करें? बोले आज्ञा को सिर पर नहीं रखो, उर में धारण करो। और कितनी सुंदर बात कि भैया दिमाग में आई हुई बात कभी कभी दिमाग से उतर भी जाती है, पर जो बात दिल तक पहुंच जाती है वो भुलाने से भी नहीं भूलती है, याद बनी रहती है। और इतना कहकर प्रभु चले गए, और प्रभु गए अंतर ध्यान हो गए। भोले बाबा ने यहाँ सप्तऋषियों को बुलाया, पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेकर के आओ। तो सप्तऋषियों ने कहा भी कि बाबा ये परीक्षा की क्या आवश्यकता, स्वयं राम जी कहकर गए हैं कि इनको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, और क्या आप जानते नहीं हो कि यह सती माता ही पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई हैं। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले हम जानते हैं तभी तो कह रहे हैं। क्यों? बोले यह वही पार्वती हैं जो पिछले जन्म में सती थी,
और जब सती जन्म में इन्होंने हमारे प्रभु का दर्शन किया तो हमने कहा कि देवी इनको प्रणाम करो, यही सच्चिदानंद ब्रह्म है, भगवान है। तो सती जी ने बिना परीक्षा के हमारे भगवान को स्वीकार नहीं किया। तो आज भगवान शंकर ने कहा कि जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता है, उसे मैं भी बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए जाओ, जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ। और गए हैं महाराज परीक्षा लेने के लिए। तो पार्वती जी ने कहा है कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूं। तो सप्तर्षियों ने बहुत समझाया, महादेव अवगुण भवन कहां, उस भिक्षुक के चक्कर में पड़ गई कि ये पति रूप में मिले। लेकिन पार्वती मैया बोली, नहीं नहीं, हमें अपने गुरुदेव के वचनों पर भरोसा है, हमारे गुरु जी ने कहा है। और वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं महाराज गुरुदेव के। लोग कहते हैं हम गुरु जी को बहुत मानते हैं, महाराज थोड़ा बहुत नहीं, उनसे ज्यादा मानते हैं हम। लेकिन मैं निवेदन करूं कि गुरु जी को तो मानते हो, पर गुरु जी की मानते हो कि नहीं? बोले उसमें थोड़ी कमी रह जाती, विचार नहीं मिलते। गुरु जी कुछ कहते हैं और हमें वो ठीक नहीं लगता। तो मानते बहुत हैं पर विचारों का मतभेद है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि हम लोग कुछ भी करें, गुरु जी को थोड़ा बहुत कम माने तो चलेगा, लेकिन गुरु जी की कही हुई बात पर अगर हम लोग अमल करें तो हम लोगों का जीवन सुंदर बनेगा। सो यहां पर पार्वती मैया ने भी कहा कि हमारे गुरुदेव हैं देवर्षि नारद, उनकी बात पर मुझे भरोसा है, उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को पाने के लिए तप करो, इसलिए मैं यह तप कर रही हूँ कि भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होंगे। और दूसरी कितनी सुंदर बात पार्वती जी ने कही कि मान लो हमारी तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अपने गुरुदेव की कृपा पर भरोसा है कि उन्होंने कहा है तो अवश्य भोले बाबा प्रसन्न होंगे और मुझे प्राप्त होंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहु कुमारी। और प्रसन्न होते हुए सप्तऋषियों ने सुना है, लौट करके गए भोले बाबा को सुनाया। तो भोले बाबा ने क्या किया, बोले मगन हो गए भोले बाबा प्रेम को सुनकर के, इतना प्रेम हमसे। लेकिन वहीं नहीं ठहर गए, क्या किया, बोले मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। बोले बाबा यहाँ पर प्रभु का स्मरण करने लगे, अरे जो मिल रहा है उसमें प्रसन्न हो, पर जिसके कारण मिल रहा है उस परमात्मा को कभी भूलो मत। हम लोग क्या करते हैं, जो मिल रहा है बस उसमें ही मगन है, पर जिसने दिया है वह कभी याद ही नहीं आता है, भूले ही रहते हैं हम लोग। तो भोले बाबा तो समाधि में बैठ गए, राम जी का स्मरण करने लगे। अब यहाँ पर राम जी को लगा कि भोले बाबा समाधि में बैठे रहेंगे तो विवाह कब होगा। तो एक लीला की, यहाँ पर तारकासुर के कारण समस्त देवता भयभीत परेशान, यह असुर सब देवताओं को दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है, कोई उपाय नहीं मिला देवताओं को। सब देवता पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज कोई तो उपाय बताओ, वरदान आपने दिया है तो इससे मुक्त कैसे होंगे। तब कहा है ब्रह्मा जी ने, सबसन कहा बुझाई विधि धनुज निधन, तब होई शंभु शुक्र संभूत सुत, यह जीत ही रन सोए। इस राक्षस से तभी मुक्ति मिलेगी, कब, बोले जब भगवान शंकर के बलवान कुमार के द्वारा इसका वध होगा। अब देवताओं ने विचार किया, बोले पुत्र का जन्म तो तब हो जब भोले बाबा विवाह करें, तो खोज करो भोले बाबा हैं कहाँ अभी। तो बोले भोले बाबा तो अभी समाधि में बैठे हुए हैं। तो देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए, भोले बाबा को समाधि से कैसे जगाया जाए।
तो जब बहुत विचार किया तो बोले एक काम करो, कामदेव को भेजो। और कामदेव को भेजने के लिए कहा, सब देवता कामदेव के पास पहुंचे। कामदेव से जाकर के कहा कि भूत भावन भगवान शंकर की समाधि को भंग करना है। अब जैसे ही कामदेव ने सुना तो कामदेव बोला, महाराज काम तो बड़ा मुश्किल है। तो देवता बोले, जाओगे नहीं? इंद्र ने कहा कि मित्र मैं तो तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव ने उदास होकर के कहा कि मित्र भी कह रहे हो और भेज भी रहे हो, तो जाते हुए तो देख लोगे पर लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। इंद्र ने कहा, तो क्या जाओगे नहीं? कामदेव ने कहा, हम कब मना कर रहे हैं, आप राजा हैं और श्रुति कहे परम धर्म उपकारा परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब आपने कहा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। और महाराज अब तो ये कामदेव गया, भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे और कामदेव ने जाकर के आम के पत्तों में छिप करके बैठ गया। आम का वृक्ष लगा हुआ, उन्हीं पत्तों के बीच में बैठा था काम, और भगवान शंकर के ऊपर बाण से प्रहार किया। तो श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यहां पर भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने पंच बाण का प्रहार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंच बाण लोग सुन लेते हैं कथा में, और कथावाचक भी सुनाकर आगे बढ़ जाते कि पंच बाण, पांच बाण चलाए। तो ये पांच बाण हैं कौन से? तो बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा कहते हैं कि इस पूरे संसार में इन्हीं पंच का प्रपंच है। अगर ये पांच ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति महाराज सुखी रहे, उसके जीवन में कोई परेशानी आए ही नहीं, कोई कामना हो ही नहीं। तो यह पंच बाण कौन से हैं? बोले पांच प्रकार की कामना। कौन कौन सी कामना है प्रत्येक जीव के मन में, चाहे यहां बैठने वाले हों चाहे वहां बैठने वाले हों, कोई कम ज्यादा नहीं है सबके मन में। और ये पांच कामनाएं बोले शब्द रस रूप गंध और स्पर्श। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ देखना चाहता है अपने मन का, जहां उसका मन रमता हो। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सुनना चाहता है अपने मन का। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ स्वाद लेना चाहता है, और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सूंघना चाहता है, जो सुगंध उसको अच्छी लगती हो। और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ स्पर्श करना चाहता है जो उसको सुखी करता हो। ये पांच प्रकार की कामनाएं सबको दुखी कर रही हैं, और इसी के कारण महाराज प्रपंच मचा हुआ है पूरे संसार में। नहीं तो सब तो ईश्वर के अंश हैं, कहां दुख हमको आपको छू सकता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, खंजर की क्या मजाल एक जख्म कर सके। ये कामनाएं हमको नहीं सताती, हम ही जाग जाग कर इन कामनाओं के पास जाते हैं और फिर कहते हैं हम दुखी हैं। खंजर की क्या मजाल एक जख्म कर सके, और तेरा ही है ख्याल की घायल हुआ है तू। खुद ही तो जा रहे हो और दूसरे को दोष दे रहे हो। तो भगवान शंकर के ऊपर भी यह पांच बाण चलाए कामदेव ने। तो आप देखो कि हम जैसे साधारण लोग हो, साधारण मनुष्य हो, अगर इनके ऊपर इन कामनाओं का प्रभाव पड़े और काम का आक्रमण हो जाए तो हम सब की खुली आंखें भी बंद हो जाती हैं, फिर कुछ और दिखाई नहीं देता है। लेकिन धन्य है भगवान शंकर कि इनके ऊपर जब कामदेव ने आक्रमण किया तो भोले बाबा सजग भी हैं और साधक भी हैं, ज्ञान निष्ठा में बैठे हुए। और जैसे ही कामदेव के बाण का स्पर्श हुआ तो काम के आक्रमण से बड़े बड़ों की खुली आंखें भी बंद हो जाती हैं। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जो सजग साधक होते हैं, बोले उनकी बंद आंखें भी खुल जाती हैं। जैसे ही कोई कामना हमारे पास आती है, आक्रमण करती है,
तो जो साधक होगा वो समझ जाएगा कि ये आक्रमण हुआ है, इसमें मेरा किया हुआ कुछ नहीं है। और भगवान शंकर ने भी वही किया, नेत्र खोल करके देखा, और जैसे ही भोले बाबा ने देखा चारों तरफ, सो महाराज